अलवर शहर वैशाली नगर थाना अंतर्गत शोमिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। वैशाली नगर थाना प्रभारी गुरुदत्त सैनी ने बताया कि आज शाम को सूचना मिली, लोटस फ्लैट्स के सामने एक शव पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंचे और शिनाख्त की गई, जिसकी पहचान मदन मोहन निवासी 60 फुट आजाद नगर के रूप में हुई, जो खुदनपुरी में सरकारी स्कूल में हेडमास्टर के पद पर कार्यरत थे। थाना प्रभारी ने बताया कि मदन मोहन सुबह 7:15 पर स्कूल जाने के लिए निकले थे, उसके बाद घर पर नहीं लौटे तो घर वालों ने काफ़ी ढूंढा तो कहीं भी नहीं मिले, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। बाद में पुलिस ने बताया कि एक शव यहां पड़ा मिला है, उसके आधार कार्ड से उसकी पहचान हुई। पुलिस ने परिजन से रिपोर्ट ले ली है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई कर रही है। मौके पर SFL की टीम भी बुलाई गई और जांच करवाई गई। फिलहाल पुलिस ने शव को जिला अस्पताल के मॉर्चर में रखवा दिया है। सुबह परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। जी सर बताइए, क्या नाम पता था, क्या सूचना? आज शाम को सूचना मिली कि लोड्स फ्लैट्स के सामने एक डेड बॉडी है, यहाँ के चेक करवाया तो डेड बॉडी की पहचान मदन मोहन जी जो खुदनपुर स्कूल में HM थे उनके हुई है। उनके बेटे ने रिपोर्ट दिए कि भैया सुबह 7:15 स्कूल के लिए निकले थे और इसमें मृत की जांच कर रहे हैं। सुबह पोस्टमार्टम कराया जाएगा सरकारी हॉस्पिटल में, बॉडी भिजवाई।